असलम वरह वा फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे चलिए वीडियो शुरू करते हैं

मुजिस्स सदर मौलाना मोहतरम राबे हसन नदवी साहब किबला से यह दरख्वास्त करूँगा कि एक फ़ैसला ले और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस केस को प्रेजेंट करें हम कोई तशद नहीं चाहते मुल्क में हम अमन चाहते लेकिन इंसाफ़ की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा और यहाँ अमन के नाम पर हो या तशद के नाम पर हो डराया जाएगा और हमको इंसाफ़ लड़ने इंसाफ लेने में नहीं जाएगा तो मैं समझ लूँगा ये हमारी कमज़ोरी है बाबरी मस्जिद के मुकदमे पर तवील बहस होगी मुस्लिम क्यादत के रोल पर बहस होगी बाबरी मस्जिद की खुदवाई किसने करवाया क्यों करवाया ये लंबी बहस है अब तमाम बातों में जाना नहीं है अब मुतालबा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाना बेहद ज़रूरी है और हमारा इख्तियार है हमारा जमुरी हक है इंसाफ के लिए हम जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फैसला करने के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अगर तैयार नहीं हो रहा तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार मोरी के इल्ज़ाम रहेंगे कि बाबरी मस्जिद को उनके हवाले करने मैं खुलेआम कह रहा हूँ और मैं एक अवामी मूवमेंट चलाऊंगा और यह तहरीक महरूम गाजिया मिल्ल ने बाबरी मस्जिद के लिए बेशुमार बेशुमार्बानियाँ दी है इस तहरीक के लोगों ने तहरीक के लोगों ने मुसलसिल उस मसले को जिंदा रखा यह लड़ाई किसी मजहब और मज़हब के खिलाफ नहीं है ना किसी हिंदू के खिलाफ है ना किसी आज जो फैसला दिया गया खुदवाई की बुनियाद पर आस्था की बुनियाद पर दिया गया कल इस मुल्क में ना कोई गिरजाघर हो या कोई गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो महफूज नहीं है इस फैसले के बाद संघ परिवार कहीं पर भी ऐसी ही साजिश करेगा कल गोल्डन गुरुद्वारा तोड़ा देगा कल दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ा देगा कल ईसाइयों के गिरजा घर तोड़ा देंगे खुदवाई करेंगे फर्जी शवायद निकालेंगे और शवायद की बुनियाद पर किसी मंदिर होने का दावा करेंगे अगर इस सिलसिले को बंद करना है और संघ परिवार का जो ऐलान है कि मुल्क में तीस हज़ार मसाजिद को मना में तब्दील करेंगे उसका आगाज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनको तकवियत बख्शेगा हर जगह पर अब निचली अदालत में लेके लोअर कोर्ट से लेके किसी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग डालना और किसी मजहबी इबादत गाहों की खुदवाई करना और खुदवाई की बुनियाद पर मिल्कियत का दावा करना अगर ये चलेगा तो इस मुल्क में दहशतर्दी को बढ़ावा दे मिलेगा आतंकवाद को बढ़ावा देगा इस मुल्क की सालमियत को खतरा है इस मुल्क की इंटीग्रेशन को खतरा है इस मुल्क में समाजियत खत्म हो जाएगी इस मुल्क में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी अगर आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी ली थी कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा हम लड़ेंगे तो अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई अभी उनकी जिम्मेदारी बाकी है इंटरनेशनल लॉ है इंटरनेशनल कानून है इंटरनेशनल कोर्ट है इंसाफ के लिए लड़ा जा सकता है मैं तमाम इंसाफ पसंद लोगों की जानिब से और मजलूम मुसलमानों की जानिब से मैं यह मुतालबा करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारा मरकजी इदारा है हिंदुस्तान में जिसमें बड़े दानिशमंद लोग हैं और बिलखसूस बैरिस्टर होने की हैसियत से असदुद्दीन साहब किबला जो कानून इंटरनेशनल पढ़ के आए लंदन में उनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से वाकिफ़ होंगे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल खवानी से कि इंसाफ की लड़ाई के लिए चलो कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़े बाबरी मस्जिद का केस कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट में तो लड़ो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ो अब यहाँ ठहर के जो गुफ्तगु कर रहे हैं ये गुफ्तु कोई काम को आने वाली गुफ्तगु नहीं है मेरा वन लाइन मुतालबा है कि अब इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ के लिए और दरवाजे खटखटाना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट को जाना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंसाफ की जिद्दोजहद नहीं कर रहे तो वो बोरी के इल्जाम रहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे तमाम मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप उन्नीस सौ चौरानवे चौबीस अगस्त का जजमेंट श्री वेंकट चलैया के जजमेंट निकालिए नेट से उस जजमेंट में वाजे तौर पर कह दिया गया था उस जजमेंट के खिलाफ में ये जजमेंट आया तो अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आ गए एक जजमेंट बोल रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पर फैसला नहीं होता और एक जजमेंट हो जा रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पर जजमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज है ना उनकी अथॉरिटी को चैलेंज है बल्कि यह कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से पेश करके फैसला किया जा रहा उस पर बहस हो रही है उस पर मुहैया हो रहा है और इसको यह तरतीब नहीं दिया आना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं या अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं ना अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि हम चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमको फैसला दो जो फैसला नहीं मिला और इन इंसाफ के दरवाजे खुले हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब एक कदम आगे बढ़ना ही होगा और इस मुल्क में इंसाफ को कायम करने के लिए अवी सतह पर जाना पड़ेगा अल्लाह के घर का मसला है दुनिया के हम हर कोने में जिदोजहद करेंगे हम कोई आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना टेर्रिज़म को ना फंडामेंटलिज़म को ना रैशनलिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर हिंदू फिरका परस्ती को रैशनलाइज किया जा रहा है इस जजमेंट के ज़रिए जो मोहन भागवत जो कह रहे थे कि राम मंदिर के मसले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते एक महीना पहले से कैंपेन स्टार्ट कर दिए बड़े बड़े मौलानाओं से बैठ के बात कर रहे हैं समझा रहे हैं जो आया हम मानेंगे आप मानो हम तो स्टार्ट में बोल दिए थे हम कि ये सो डायलॉगबाजी नहीं जो कानून और कानून के आइन के मुताबिक फैसला आएगा हम उसी फैसले को मानेंगे ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं आया आइन की रूह के मुताबिक नहीं आया हम इसको मुस्तरद करते मुस्तरद करते हम इस फैसले को खुलेआम कह रहा हूँ मुस्तरद करते हम मुतमिन नहीं हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुला हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार की हैसियत से मौलाना हज़रत राबे हसन नदवी साहब किबला पे ये जिम्मेदारी आयद होती कि वो फैसला ले और अवी मुतहदा में जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए अपना इंसाफ की जिद्दोजहद जारी रखे वरना हिंदुस्तान की कोई मस्जिद महफूज़ नहीं है इस फैसले के बाद कोई मस्जिद को खुदवा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ मूर्ति निकली या मंदिर है कल दिल्ली जामा मस्जिद को जमुना देवी का मंदिर बोलेंगे मक्का मस्जिद को भाग्य लक्ष्मी का मंदिर बोलेंगे हम नहीं चाहते कि किसी के मज़हब पे शकून मारे या किसी के अकीदे पे शकून मारे ये तमाम ना इंसाफ़ियों के बावजूद इस मुल्क में हमको इंसाफ मिलेगा और जब ये पहली शरंगेजी हुई उनतीस दिसंबर उन्नीस सौ उनचास ट्वेंटी नाइन दिसंबर नाइनटीन फोटी नाइन के दिन रात अंधेरी रात में जब मूर्तियाँ डाल दी गई और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने मस्जिद को मुखफिल कर दिया उस तारीख से लेके आज तक मुसलमानों ने क़ानून और कानून के दरवाज़ों को खटखटाते रहे अदालत को, के दरवाज़ों को खटखटाते रहे लेकिन हर क़दम पर नासाफ़ी मिली और फिर राजीव गांधी के दौर में श्री राजीव गांधी ने मस्जिद के ताले खोले और अदालतों में जो खेल खेला गया मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं की गई फिर 1989 में एक मस्जिद के एक मीनार को शहीद कर दिया गया फिर छः दिसंबर को बाबरी बाबरी मस्जिद मुकम्मल तौर पर शहीद कर दी गई मैं तो ये तमाम हालात इसलिए कि ना इंसाफियाँ कैसे होती रही वो सब दुनिया देखती रही इसके बावजूद भी हम ऐलान करते रहे कि मुल्क में आइन है दस्तूर है क़ानून है कॉन्स्टिट्यूशन है अदलिया है और दलाइल की बुनियाद पर एविडेंस की बुनियाद पर एडवर्स पोजिशन की बुनियाद पर क़ानून जो डिफ़ाइन करता डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को क़ायम किया था आज वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला नहीं हुआ अब सुप्रीम कोर्ट के एहतराम की बात है सु, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानने की बात है तो सवाल ये उठता है कि जो जिन मोजि जजों ने चीफ जस्टिस साहब ने जो जजमेंट किया क्या वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है क्या डॉ बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को कईम किया था उसका प्रियाम्बल पहले सफे पर लिखा है कि जस्टिस शुड नॉट बी सीन जस्टिस शुड बी फेल्ट इंसाफ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए समाज में इंसाफ का एहसास सारे समाज को होना चाहिए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियाम्बल के मुताबिक जस्टिस हुआ नहीं हुआ ये ब, बड़ी बहस है हम सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर रिमार्क नहीं कर रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऐलान हुआ जजमेंट हुआ क्या वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन के हटके हुआ इस पर बहस अब स्टार्ट हुई और आने वा, वाले हालात में आप देखना कि ये मुल्क में हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है दो हिंदू मुसलमान तबके की लड़ाई नहीं है या इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई है या जालिम और मजलूम की लड़ाई है और यहाँ पे कानून की लड़ाई है आप तमाम मीडिया वाले इस बात के गवाह है सारी दुनिया गवाह है कि यही संघ परिवार था यही आर थी यही एल आडवाणी थे जो मुसलसिल पच्चीस तीस साल ये ऐलान करते रहे कि हम आस्था के नाम पर हिंदुस्तान की अदालत को नहीं मानते हिंदुस्तान के कोर्ट को नहीं मानते यही मोहन भागवत थे जिसने ऐलान किया था कि जजमेंट से पहले ऐलान कर दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे हमारा झगड़ा ना राम से है ना राम मंदिर से है ना राम जन्मभूमि से है ना किसी हिंदू से है हमारा मुकदमा यह है कि हमारे जमूरी हकूक़ हमारे फंडामेंटल राइट right और क़ानून वैन और के मुताबिक हमारे इंसाफ़ की लड़ाई है और इंसाफ की आवाज़ है आज मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जो मोहन भागवत इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र क़ायम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसकी एक एक कड़ी है यह और ये तारीख गवाह है कि जब जब कोई अक्सरियत किसी अखिलियत के जमहूरी हकूक़ को पामाल करती है और हिन्सों की ताकत की बुनियाद में उसके जमुरी का खात्मा करती है उस मुल्क में नारकी होती है उस मुल्क में निज़ाम ख़त्म हो जाता है समाज ख़त्म हो जाता है आज कानून का जो बेजा इस्तेमाल करते हुए क़ानून को कठपुतली बनाकर जो खेला जा रहा है और मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा अदालतों से तो इंसाफ के रास्ते मजलूम खुद अपनी तलाश कर लेता है उसे दहशतगर्दी व आतंकवाद नहीं कहा जा सकता बल्कि आज जो कानून के नाम पर ना को इंसाफ का जमा उड़ाया जा रहा ना को एक इंसाफ का लिबास पहना के सारी समाज के सामने पेश किया जा रहा इसके बरक्स जो बाबरी मस्जिद की खुदवाई हुई मैं आज उन दानश्वरों से और ख़ानदानों से पूछना चाहता हूं जो इस मुल्क में जो सेकुलर है वो आज मेरे साथ है आज कई बड़े बड़े दानश्वर जो गैर मुस्लिम है जो मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते दिगर मजाब से आज उनका पूरों का सवाल है ये मेरा सवाल नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की खुदवाई का मसला आया और कहना ज़रूरी है यहाँ पर कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक कैबिनेट रेजोल्यूशन लाया था और उस कैबिनेट रेजोल्यूशन का वन लाइन रेजोल्यूशन ये था कि बाबरी मस्जिद की खुदवाई करके ये देखा जाए कि कोई मनादिर के निशान मिलेंगे और क़ानून में कहीं गुंजाइश नहीं है कि खुदवाई की बुनियाद पर किसी मिल्कियत का फैसला किया जा सके